हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों, पहले आपने मेरी वीडियो देखी होंगी क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर, इस टाइप की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। एक्चुअली वो ट्रिकें बहुत सारी हैं जो काम करना बंद भी कर गए हैं, लेकिन अगर हम किसी इशू पर अगर ट्रिक बनाते हैं तो दोस्तों आजकल सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है KYC की। क्योंकि जैसे हम पहले पेटीएम की KYC करते थे बायोमेट्रिक सिस्टम से, आजकल वो बंद हो गई है। और अगर हम किसी रिटेलर के पास भी जाते हैं या हम किसी जो पेटीएम का जो पेमेंट का जो शॉप है उधर जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे एजेंसी है जो पेटीएम को मतलब वो करते हैं, अगर हम उधर भी जाते हैं तो पेटीएम की KYC नहीं हो रही है। पहले तो मैं इसका दोस्तों कारण बता देता हूँ कि किस वजह से ये नहीं हो रहा है, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पता होगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो है एपेक्स बॉडी है कानून की, उसने जो एक जो लॉ पास किया था जो 26 सितंबर को एक पास किया था, जिसका नाम है ये आधार कार्ड एक्ट 2016। इसके तहत दोस्तों कि हम ऐसे नॉर्मली अपने आधार कार्ड को ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लमें आई कि पेटीएम ने भी इसका जो eKYC था वो बंद करना बंद कर दिया। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनके ऊपर भी बहुत सारा फर्क पड़ा। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि इस टाइप से आप किसी की KYC नहीं कर सकते। अगर अभी दोस्तों अगर आप पेटीएम के KYC सेक्शन में जाकर देखते होंगे, अगर आप KYC करते हैं तो उधर आधार कार्ड का नाम ही नहीं मिलता, आप लोग देख रहे हैं। और अभी आधार कार्ड एक्सेप्टेड भी नहीं कर रहा है पेटीएम, ये डायरेक्टली मैंने बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आज की डेट में एक और ये टॉपिक ट्रेंडिंग ही आ रखा कि हम आधार कार्ड से या फिर हम पेटीएम की KYC कैसे करें। क्योंकि दोस्तों जब तक KYC नहीं होगी तब तक हम बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही हम और बहुत सारी यूटिलिटी पेमेंट्स है या बहुत सारे यूटिलिटी बिल्स, इस टाइप की बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक्चुअली मैं चलते चलते ऐसे देख रहा था यूट्यूब पे कि कैसे मतलब KYC कैसे करें, तो बहुत सारे दोस्त मतलब वीडियो आई और मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं है कि वो बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं कि ऐसे कीजिए आप ऐसे, मतलब कोई भी इसका बेस नहीं है। एक्चुअली दोस्तों मैंने भी, मेरा सुपर मर्चेंट अकाउंट है तो जो मेरा नंबर है वो डायरेक्टली उनको चला जाता है, कॉल चला जाता है पेटीएम पे, तो मैंने भी उनसे बात की कि कैसे हम KYC करवा सकते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने दो मेथड बताए, मैं आपको वो मेथड बता देता हूँ। अभी अगर मैंने उन दोनों मेथड को यूज़ करके देखा, एक्चुअली मेरा तो हुआ नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हो जाता है, तो मेरा तो हुआ नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली किसी भी को मैं गुमराह नहीं करना चाहता कि आप ऐसे कीजिए। एक्चुअली उन्होंने दो मेथड क्या बताए मैं आपको बता देता हूं, चलिए शुरू करते हैं। पेटीएम के कस्टमर केयर ने बताया था कि KYC कैसे करना, उन्होंने बताया था कि इधर जाके इधर ऐसे मतलब क्लिक कीजिए, उसके बाद इस टाइप की स्क्रीन आएगी और उसके बाद जो नीचे हेल्प का ऑप्शन आता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जो 24/7 है। मैंने इसके ऊपर भी करके देखा, बहुत सारे यूट्यूबर यही बता रहे हैं कि इधर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसमें दोस्तों मोर प्रोडक्ट है, इसमें जाके जो नीचे पेटीएम KYC है इधर आके चलते हैं और इसमें बोल रहा कि आई एम अनेबल टू लोकेट KYC आइकन टू प्लेस एक KYC रिक्वेस्ट। उसके बाद उन्होंने इधर मेरे को बताया था। और दोस्तों इसमें तीन टाइप की, आई वांट टू डू मिनिमम KYC, तो इधर मिनिमम के ऊपर ही चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि गो टू पेटीएम होम या क्लिक टू द कंप्लीट योर मिनिमम KYC, ये क्लिक हेयर टू कंप्लीट। उसके बाद मैं ये मांग रहा है कि किसके थ्रू आप जाना चाहते हैं, उसके बाद मैं वापस ही रिटर्न आ जाऊँगा पेटीएम के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आगे का जो प्रोसेस है, इधर बोलेगा कि आप इनमें से चार में से कुछ एक आईडी डालिए, देखिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा। उसके बाद मैं इधर कन्फर्म करता हूं और मेरा पैन कार्ड नंबर डालता हूं। मैं पैन कार्ड को दोस्तों हटा दूंगा बाद में। तो दोस्तों मैंने इधर पैन कार्ड नंबर डाल दिया, उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये एरर आ जाता है कि यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट। एक्चुअली ये मेरे पास अब एरर है, उससे पहले आता था मेरे पास एरर समथिंग वेंट रॉन्ग इस टाइप से। तो दोस्तों इनका जो उन्होंने ये तरीका बताया था, इस तरीके से भी KYC नहीं हो रही है। अभी दूसरा तरीका जो उन्होंने बताया वो मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। तो देखिए दूसरा तरीका दोस्तों उन्होंने जो मेरे को बताया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अपने एड्रेस सेक्शन में जाके डालना www. उसके बाद paytm bank.com, उसके बाद
इधर आप नीचे एड्रेस देख रखा है पॉलिसीज ग्रीवेंस ऑफिसर्स, मतलब उसने ये तरीका बताया था कि इसको अगर एड्रेस सेक्शन में डाके सर्च करते हैं तो आपका जो नियर बाय का कोई भी जो केवाईसी जो ऑफिसर्स है उधर चला जाएगा। दोस्तों उसके बाद मैंने इसके ऊपर भी डाला तो मेरे पास ये मैसेज आता है 404 उप्स पेज नोट फाउंड गो टू होम पे जाने पर दोस्तों पेटीएम की साइट पर मैं चला जाऊँगा। उसके बाद ये बता रहे हैं कि वी आर अनेबल टू नो फियर, ये इस टाइप के बता रहे हैं। तो दोस्तों जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है या फिर किसी का मतलब वो नहीं आ जाता गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक शायद आप केवाईसी नहीं करवा पाएंगे। अगर आप करवा ही पाएंगे तो मिनिमम केवाईसी ही आपकी हो पाएगी। किसी यूट्यूबर के किसी के चक्कर में आके अपना टाइम बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है तो आप कोई दूसरा वैलेट ढूंढ लीजिए, आपके कोई नियर बाई में अगर कोई दूसरा आपको वैलेट नज़र आ रहा है, दूसरे बहुत सारे वैलेट हैं, लेकिन अगर आपने पहले केवाईसी करवा रखी है तो उसको दोबारा आप एक बार रीओपन करके ज़रूर देखें, यही सबसे बेटर मेरे को लग रहा है। फिर किस तरह से मतलब वो यूज़ करने हैं, एक्चुअली जब मेरी उनसे पेटीएम वालों से बात हुई कि मैंने उनको बोला कि ऑलरेडी मैंने दोनों मेथड यूज़ कर लिए लेकिन मेरा केवाईसी हो नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ, तो दोस्तों आज की जो डेट है वो है 22, तो 22 जो दिसंबर है मैंने इसको यूज़ किया था दोपहर को शाम को 4 बजे करीब, तो उस टाइम पे ये यूज़ हो नहीं रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा पेटीएम वालों को कॉन्टैक्ट किया, जो उनका नंबर था 01203663377, ये नंबर मैंने कॉन्टैक्ट किया था, आप भी नोट कर लीजिए 01203663377, ये दोस्तों जो नंबर था, उन्होंने बोला कि हमारी जो कंसर्न टीम है इसके ऊपर काम कर रही है, ये एक मतलब टेक्निकल एरर है, इस टाइप से उन्होंने मेरे को बताया कि टेक्निकल एरर है या इस टाइप से मतलब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। और उसके बाद वो बोल रहे थे कि आप नरेगा का जो कार्ड है या इस टाइप से जो आया ड्राइविंग लाइसेंस है पैन कार्ड है उसके बाद केवाईसी कर सकते हैं, और उन्होंने अपने ब्लॉग में भी इस चीज़ को मेंशन कर रखा। दोस्तों देखिए मैं क्लियर एक बात बता दूं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आएगा, जब तक वो कोई क्लियरली फैसला इसके ऊपर नहीं लेंगे या कुछ उनकी तरफ से वो कुछ घोषणा नहीं करेंगे, तब तक केवाईसी मुश्किल है। बाकी अगर आप बोल रहे हैं कि इन तरीकों से केवाईसी मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे वैलेट भी अभी काम करना बंद हो गए, तो मैं एक नई केवाईसी करवाने की सोच रहा था। और दोस्तों ये जो दूसरे जो यूट्यूब पे मैं आ रहे हैं ये फला रहे हैं इधर क्लिक कीजिए फलाना, नहीं हो रहा है, मेरा तो हुआ नहीं। अगर आपकी केवाईसी हो जाती है तो वो अलग बात है, मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मेरे पास तो दोस्तों अभी भी वही मैसेज आ रहा है कि समथिंग रॉन्ग ट्राई टू अगेन समथिंग रॉन्ग टाइप से मैसेज आ रहा है। अगर आपका केवाईसी हो जाता है तो एक अच्छी बात है, आप कर लीजिए, बाय द वे हो नहीं रहा है। अगर दोस्तों उधर से कोई पेटीएम की तरफ से अगर इसके बारे में कोई अपडेट आएगा, अगर कोई सोल्यूशन आता है, तो मैं इस चैनल के जरिए आप लोगों को सजेस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों एक नया वैलेट आया है क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर में, उसके ऊपर मैं कल एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली उसके ऊपर मैंने केवाईसी के रिलेटेड मेरा इशू था, मैंने डाल रखा, अगर कल तक उसके उस वैलेट पर मेरा केवाईसी अपडेट हो जाता है तो मैं उसके ऊपर कल ही वीडियो डालूंगा। दोस्तों तो अफवाहों से थोड़ा बचते रहिए, अपनी अवेयर रहिए चारों तरफ से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों जाते जाते इसके ऊपर लाइक ज़रूर करके जाना, अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो और भी अच्छा है। तब तक अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, हम भी इसके लिए तैयारी करते हैं किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।